टॉयलेट का म्यूजियम। मुगलों के जमाने से लेके मॉडर्न जमाने तक इतने सारे टॉयलेट्स। OMG। तो पालम होते हुए न्यू दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में स्थित सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स में हम पहुंच गए। और पार्किंग की फैसिलिटी भी यहां पे अवेलेबल थी। आप यहां पे बस या मेट्रो से भी आ सकते हैं। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल एंड टूरिस्ट विद पारुल। तो दोस्तों, आज हमारी सवारी पहुंच चुकी है एक ऐसी अनोखी जगह जिसके बारे में शायद आप लोग ने भी कभी नहीं सुना होगा। आर्ट म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम तो आपने बहुत देखे होंगे, बट मैं हूँ आज सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स में, जो इंडिया का पहला टॉयलेट म्यूजियम है। हाँ जी, सरप्राइज मत होइए। चलिए अब फटाफट से अंदर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको वर्ल्ड के 10 मोस्ट वियर्ड म्यूजियम्स में आने वाला ये जो म्यूजियम बना है, टॉयलेट म्यूजियम, और एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या अनोखा है। वैसे तो नाम में ही बहुत डिफरेंस छुपा है, बहुत अनोखापन छुपा है। तो चलिए चलते हैं टॉयलेट म्यूजियम में। पहुंच चुके हैं सुलभ टॉयलेट म्यूजियम के अंदर। अब बहुत सारे यहाँ पे डिटेल्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसके लिए हमारे साथ यही की है एक पर्सनल जो हमें थोड़ा सा गाइड करेंगी। तो चलिए चलते हैं उनके पास। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू third weirdest museum in the world. If you are going on Google and searching for the third weirdest museum in the world, you will find it there. So, we are starting to show the museum. For our city, we have a mobile toilet. Next. After that, we have a Manu Sarathi Vishnu Puran. वाले में मैनेजमेंट जाता था, ऑफिस में यूज़ होती थी, और नीचे वाले में एम्प्लॉयज जाते थे। दोनों चीज़ें एकदम सेम है, बट एक सुपर में से कि बॉस की ओवर द एम्प्लॉयज, की बॉस ऊपर वाले में जाएंगे, एम्प्लॉयज नीचे वाले में जाएंगे। बताइए, डिस्क्रिमिनेशन तब से चल रहा है और अब तक चल रहा है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का। ये जो आप टॉयलेट देख रहे हैं, ये ऊपर वाला बनाया गया था एम्प्लॉयर के लिए, और नीचे वाला जो है ये एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि बॉस जाए ऊपर और जो एम्प्लॉयज है वो जाए नीचे। नॉट गुड ना। चारों तरफ दीवारों पे ये दिखाया गया है कि कौन कौन सी जगह इस मोबाइल टॉयलेट के सिस्टम को अपनाया गया और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया। पंढरपुर महाराष्ट्र में इसको एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग यूज करते हैं। इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स ऑफ सिला, इट इज इन पंढरपुर महाराष्ट्र। इट इज अ बिग टेम्पल ऑफ विठ्ठल रुक्मिणी, ए नंबर ऑफ पिलग्रिम्स यूज्ड टू गो देयर, इसलिए इतना फुटफॉल। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी टू, बुक शेप टॉयलेट इसको हम बोलते हैं, बुक शेप टॉयलेट यूज बाय फ्रेंच पीपल लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, फ्रेंच एंड ब्रिटिश यूज टू फाइट ईच अदर। व्हाट फ्रेंच डू टू मेक इंग्लिश इंसर्ट, दे टुक अ मॉडल ऑफ द बुक, राइट, दे हैव एन इंग्लिश वर्ड मैगबुक एंड यूज एज अ टॉयलेट। ये जो
आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोई राजा महाराजाओं की सीट नहीं है, ये है टॉयलेट। तो बहुत मतलब ना उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, टिंगलिंग का प्रॉब्लम था, उनको बहुत टाइम लगता था अपने आप को ईज करने में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना इसके नीचे ना अमोल बना लिया, जो वो पब्लिक को अपने देते थे ना तो सिमटा अपने आप को ईज कर देते थे। टिंग लिंग का प्रॉब्लम और ब्रीजिंग दिस और ये देखिए जनाब, यहाँ तो एलिफेंट भी ओपन में टॉयलेट नहीं जा रहा है, ये भी पॉट पे बैठ के जा रहा है। तो ये हमें लेसन देता है हाइजीन को फॉलो करने का। इसके बाद ये विक्टोरियन क्लब का चेयर है, सपोज कैसीनो चल रहा है और कोई भी ना उठ के नहीं जाना चाहता, फिर अगर वंस कैसीनो स्टार्ट तो विदाउट लूजिंग द साइट ऑफ कैसीनो पीपल वर यूजिंग दिस मेथड टू रिलीज देमसेल्व्स। ठीक है, अभी भी है, अभी से विक्टोरियन क्लब में यूज होता था पुराने जमाने में, अभी भी कैसे नहीं काम करता। देयर आर डिफरेंट मॉडर्न इनोवेशंस, ये है बहुत द मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट इन द वर्ल्ड। नासा ने रिसेंटली परचेस किया स्पेस टॉयलेट, इसकी कीमत है $19 million। इसमें वैक्यूम होता है इंस्टेड ऑफ फ्लश एंड दैट वैक्यूम टर्न्स द यूरिन इनटू ड्रिंकिंग वाटर। यूरिन इनटू ड्रिंकिंग वाटर, हां। उसके बाद ये है लेबोरेटरी शेप का हाउस है, किसी ने अपने पूरे घर को ही टॉयलेट की शेप का बना हुआ है। द पर्सन सेम जेक बट ने अपने घर को टॉयलेट की शेप का बनाया। टॉयलेट का रेस्टोरेंट भी है जो कि ताइवान में है, सारी चीज़ें टॉयलेट पॉट की बनी हुई है, एवरीथिंग इज मेड इन द शेप ऑफ टॉयलेट। न्यू वर्जन है स्क्वाटिंग टॉयलेट का, इसका ना ये 13 degree का ना, ये देखें आप, ये मतलब इतना ना एंगल बना हुआ है, इससे ना कम प्रेशर आता है घुटनों पे, तो वन कैन यूज इट इजीली। और ये स्क्वाटिंग टॉयलेट है जो पहले फ्लैट वन होता था, इतना रिप्लेस बाय दिस स्क्वाटिंग। उसके बाद ये है सोलर टाइप ऑफ टॉयलेट है, साउथ अफ्रीका में यूज होता है। सबसे ऊपर एक सोलर पैनल होता है जो चार्ज हो जाता है सन की लाइट से, एक सोलर फैन है जो कंटिन्यू चलता रहता है। आप इसमें बोलिए 95% हमारी बॉडी का वेस्ट वाटर होता है, वो इवापोरेट हो जाएगा और जो 5% सॉलिड है वो ड्राई हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सारा वेस्ट इस ट्रे में आ जाएगा, जो 5% सॉलिड है वो ड्राई हो जाएगा, बाद में मैन्योर बन जाएगा। तो इसको मैन्योर का बनेगा जब आपको जो है आपको एम्प्टी दिस ट्रे को अनदर ट्रे, तो पानी तो इसमें चाहिए नहीं लगता ही है इस तरह से ना, तो आप पानी ये भी नहीं चाहिए आपको, आपको लेवर भी नहीं जा रहे हैं, आपको मैन्योर भी नहीं जा रहा है, तो इधर जाए। उसके बाद ये इसको बोलते हैं फोटा पॉटी, पोर्टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है कि जहाँ से पानी से भरना है यहाँ से फ्लश करना है, पूरा वेस्ट कलेक्ट करके यहाँ चला जाएगा और बाद में इसको रिमूव करना पड़ता है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ कॉल्ड यू नो टोटो वॉश लेट, इसका नाम है, जैपनीज टॉयलेट है ये। सारी चीज़ इसके बटन पे चलती है, अगर आपको क्लीन करना है तो इसको दबा दो, ड्राई करना है इसको दबा दो, MP3 डायबिटिक चेक, अगर मौसम बहुत ठंडा होता है तो सीट गर्म हो जाता है। ये भी रोका का टॉयलेट है, जितना भी पानी यहाँ पर आप वॉश बेसिन में यूज़ करेंगे बाद में वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अगेन यू कैन यूज इट फॉर द फ्लशिंग पर्पस। उसके बाद ये सुजोग थेरेपी है, डॉक्टर सरपा है, कोरिया के रहने वाले। वो कहते हैं मान के चलो आप किसी जर्नी में हो, किसी मीटिंग में हो और ये ऐसी जगह जल टॉयलेट नहीं है और कॉल ऑफ नेचर आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर जो हमारी रिंग फिंगर होती है यहाँ से अगर हम ऐसे करके ना कुछ पॉइंट्स को ऐसे करके बताओ तो ऑटोमेटिकली ना प्रेशर रुक जाता है, यू कैन डील ओवर टॉयलेट विजिट। और ये है इंसिनरेटर, ये जला के राख कर देता है ह्यूमन वेस्ट। इसके लिए क्या करना, सबसे पहले ना आपको टिश्यू लगाना होता है, ठीक है, एंड यूज करो ह्यूमन वेस्ट नीचे चला जाएगा, भाई जला के राख
जैसे ही आपने पुश बटन दबाया सब कुछ जल्दी एक बटन बढ़ा, तो ये ह्यूमन वेस्ट है एंड दीज आर मेड बाई दीज आर हार्ड बॉल्स, मतलब ऐसे दिखाने के लिए कि कितना सॉलिड वे में इसको यूज़ किया है। तो ह्यूमन वेस्ट इज नॉट वेस्ट एनीमोर। बताओ जी, अब ह्यूमन वेस्ट भी वेस्ट नहीं रह गया। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो हैं बिहार के, ईयर 1970 में उनको ये कॉन्सेप्ट आया। ही स्टार्टेड थिंकिंग कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं घर में, आपके टॉयलेट्स नहीं होते और स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। देन ही गॉट द कॉन्सेप्ट एंड ही स्टार्टेड डेवलपिंग टॉयलेट्स, और वो बहुत सारे मूवमेंट चलाने लगे कि लोग घर में अपने टॉयलेट्स बनाएं। फिर आफ्टर अ ह्यूज सक्सेस ऑफ हिज एफर्ट्स 1992 में ये टॉयलेट म्यूजियम उन्होंने क्रिएट किया, बनाया, ताकि और अवेयरनेस कॉमन पीपल में, कॉमन मास में फैलाई जा सके। तो यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। यू विल कम टू नो कि जो पहले का आपका मुगल्स का पीरियड था उसमें कैसे कैसे टॉयलेट्स होते थे, लोगों ने क्या क्या आइडिया लगाया कि वो कैसे अपने इस नेचर कॉल को सेटिस्फाई कर सके। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो ऑल दिस। सो एक बार तो यहाँ आना ज़रूर बनता है। आई एम श्योर यू डेफिनेटली इंजॉय इट। यहीं पे बाहर इन्होंने कंपोजिट पिट्स भी बना के दिखाए हैं किस तरह से ये लोग अपना जो काम है अलग अलग जगह पे कैसे करते हैं, कैसे पिट्स बनाते हैं। और म्यूजियम के ही कैंपस एरिया में बाहर ये बना रखा है इन्होंने बायोगैस का प्लांट। अकॉर्डिंग टू पीपल हु वर्क हियर, गांधी जी के सिद्धांतों पे यानी कि स्वच्छ भारत अभियान पे बना बसा है ये म्यूजियम। तो गाइस ये था सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स, जो हाइजीन को दिमाग में रख के और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए क्रिएट किया गया था इनके फाउंडर के द्वारा 1992 में। आई होप आप सबको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके। तब तक टेक केयर, बाय बाय।